अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद हसान हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। हम वन बाई वन इंशाल्लाह उनको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम और एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज होती है। एक नेटवर्क को बनाने या उसको कन्फिगर करने के लिए या उसको अरेंज करने के लिए हम मुख्तलिफ जराए का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जब हम डिवाइसेस को आपस में एक तरतीब के साथ कनेक्ट करते हैं या उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो हमें किसी ना किसी लेआउट की जरूरत पेश आती है। दैट फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। बेसिकली टोपोलॉजी ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमने मुख्तलिफ चीजों की फिजिकल अरेंजमेंट्स को देखना होता है। सो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी में हमने नेटवर्क इक्विपमेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ किसी एक तरतीब के साथ जोड़ना होता है ताकि एक नेटवर्क की शेप बनाई जा सके। सो नेटवर्क टोपोलॉजी को हम सिंपली कहते हैं इट इज अ शेप ऑफ द नेटवर्क। एक नेटवर्क की मुकम्मल शेप या उसका फिजिकल आउटलेट वो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से रिप्रेजेंट होता है। हमारे पास टोटल 5 नेटवर्क टोपोलॉजीज मौजूद हैं जिनमें से बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री और मैश टोपोलॉजीज मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह एक एक करके इनको आज के लेक्चर में देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे किस टोपोलॉजी का क्या काम है और वो कैसे इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये सबसे आसान तरीन टोपोलॉजी समझी जाती है और इसमें जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम एक सिंपल वे के अंदर आपस में कनेक्ट करते हैं। इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते, हम लिमिटेड रेंज के अंदर जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर नेटवर्क नोड्स। याद रहे जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें हम नेटवर्क नोड्स भी कहते हैं। नोड से मुराद यहाँ पे ये है कि आखिरी डिवाइस जहां पे एक नेटवर्क का इख्तिताम होता है। सो ऑल द कंप्यूटर्स इन दिस नेटवर्क आर द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वायर आर बस। सो सिंपली हमारे पास एक सेंट्रल मीडियम या वायर होती है जहां पे हमने डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। अब अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी के अंदर जब जो वायर हमने कनेक्ट की होती है, जो सेंट्रल वायर है या जो बस है, उसके साइडों के ऊपर हमें टर्मिनेटर्स की जरूरत पेश आती है। द मैसेज इज टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय दैट टर्मिनेटर्स। जो हमारा मैसेज होता है वो आखिर पे अब्सॉर्बर्स ने या आखिर पे जो टर्मिनेटर्स हैं उन्होंने मैसेज को अब्सॉर्ब करना होता है। याद रहे इस नेटवर्क के अंदर कुलियन होती है। कैसे? अगर एक वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स बस के ऊपर मैसेज को ट्रांसमिट कर दें तो चूंकि मैसेज वो एक ही वायर के ऊपर एक वक्त में ट्रेवल कर रहा होता है तो जब मल्टीपल मैसेजेस एक वायर के ऊपर ट्रेवल करेंगे तो वहां पे ऑलमोस्ट कोलिजन होगी। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं। एक हमारे पास सड़क है जिस जो वन वे है, सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक वहां से गुजर सकती है और अगर हम दोनों साइड्स पे ट्रैफिक को वहां से रवा दवा कर दें तो वहां पे कोलिजन होगा, वहां पे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। तो यही हाल यहां इस नेटवर्क के अंदर भी होता है। एक ही लाइन के ऊपर एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है और वो मैसेज डेस्टिनेशन पे पहुंचता है फ्रॉम द सोर्स साइड। लेकिन अगर एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली डिवाइसेस उसके ऊपर मैसेज को रूट करवाना शुरू कर देती हैं तो वहां पे प्रॉब्लम जनरेट होता है। याद रखिएगा जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है वहां बस टोपोलॉजी को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और बस बेसिकली चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके कि ये साइमल्टेनियसली मैसेजेस को ट्रांसमिट करने की परमिशन नहीं देता, सो सिंपली ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिंगल मैसेज या यूनिडायरेक्शनल मैसेज वो ट्रांसमिट होते हैं। अब हम इसकी शेप को डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम मौजूद है जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक सेंट्रल वायर है जहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, बट ओनली अ सिंगल पीसी कैन ट्रांसमिट द मैसेज ओवर द वायर। हम एक वक्त में
एक कंप्यूटर से मैसेज को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, अगर साइमल्टेनियसली डिवाइसेस मैसेज को रूट करवाएंगी तो वहां पे प्रॉब्लम जनरेट होगा। साइडों के ऊपर टर्मिनेटर्स लगे होते हैं, अगर मैसेज कोई भी कंप्यूटर उसको पिक नहीं करता तो टर्मिनेटर्स उस मैसेज को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ताकि लाइन फ्री हो और दोबारा मैसेज को ट्रांसमिट करवाया जा सके। इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर सबसे अहम मीडियम जो होता है वो बैकबोन या बस या सेंट्रल वायर होती है। सो अगर हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो कुछ इस तरह होंगे। हम सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। इट इज ईजी टू यूज, ये बहुत आसान है, हम इसे आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कन्फिगर करना दूसरी टोपोलॉजी की निस्बत बहुत आसान है। इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, बहुत लंबी चौड़ी केबल वायर्स को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत पेश नहीं आती। ये बहुत लेस एक्सपेंसिव होती है, बहुत कम इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। अगर इसमें कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरे नेटवर्क के ऊपर इसमें कोई भी फर्क हरगिज भी नहीं पड़ेगा। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल काम है। ट्रबल शूट से क्या मुराद है, हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना या टैकल करना ये हमारे लिए मुश्किल काम होता है। इट ऑनली सपोर्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम कंप्यूटर्स के साथ हम इस नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। द नेटवर्क स्पीड स्लोस डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस, जब जब कंप्यूटर्स इसमें इंक्रीज होते हैं तब तक नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगली टोपोलॉजी जो है स्टार टोपोलॉजी, उसके ऊपर। ऑल द कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब, वहां सेंट्रल मीडियम हमारे पास एक वायर थी, बट यहाँ जो सेंट्रल मीडियम है वो हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम हब के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स, जैसे हमने वहां पे बात की थी बस टोपोलॉजी के अंदर हमें पीयर टू पीयर मॉडलिंग की जरूरत पेश आती है, यहां पे हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल अवेलेबल होता है जहां पे हमने मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाना होता है। अगर हम स्टार टोपोलॉजी को देखें तो डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड द हब। All the computers can transmit the data simultaneously from one component to another component. Client server model की अगर हम बात करें तो इसी chapter के अंदर हमारे पास second lecture है, वहां पर आप इस model को बआसानी समझ सकते हैं। हम इसमें multiple client computers रखते हैं और server के जरिए से उसको respond करते हैं। अगर हम इसमें इसके advantages और disadvantages की बात करें, इसको configure करना और इसको modify करना ये हमारे लिए आसान होता है। इसमें कोई भी कंप्यूटर विदाउट डिस्टरबेंस हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं और नए सिरे से अगर हम उसे ऐड करना चाहें तो हमारे लिए ये मुमकिन होता है। एक कंप्यूटर का अगर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होता है तो पूरे नेटवर्क के ऊपर इसका हरगिज भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक कंप्यूटर अगर खराब होता है तो सिर्फ वही कंप्यूटर खराब होगा, हम दोबारा जब चाहें उसको रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल नेटवर्क है रादर देन द अदर नेटवर्किंग मॉडल्स। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर सेंट्रल हब फेल होती है, जैसे वहां पे बैकबोन अगर खराब होती थी तो उसके नतीजे में पूरे का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता था, यहां पे सेंट्रल हब उसकी सबसे अहम खसूसियत है, अगर वो खराब होती है तो इसके नतीजे में पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो खराब हो जाता है। यहां पर मैं पहले बताता चलूं, जो हब है इससे मुराद हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए से हम मैसेजेस को रूट करवाते हैं, और वो राउटर हो सकते हैं, वो इसके अलावा स्विचेस हो सकते हैं। सो वो एक ऐसा सेंट्रल मीडियम है जिसके जरिए से हम डाटा को ट्रांसमिट करते हुए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेके जाते हैं। हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर होगा जिसको हम वहां पे डिटेल में देखेंगे और वहां से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा केबल्स की जरूरत पेश आती है, क्योंकि हर कंप्यूटर को हमने रूटर के साथ या सेंट्रल हब के साथ जोड़ना होता है। सो हर डिवाइस के लिए, हर कंप्यूटर के लिए अलग से केबल्स की जरूरत पेश आएगी, जिसके लिए हमें केबल्स की जरूरत पेश आएगी और उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। सो इट इज मोर एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजी। अब हम अगले मॉडल की बात करते हैं, वो हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन।
हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होता है और आखिरी कंप्यूटर वो पहले वाले कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ईच कंप्यूटर रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस एंड द ट्रांसमिशन इज डन बिटवीन द कंप्यूटर्स। सो इसमें हर जो डिवाइस है वो प्रीवियस कंप्यूटर से मैसेज को लेती है और उसको अगले कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करती है। मैसेज हमेशा याद रखिएगा वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन के अंदर मैसेज ने रूट करना होता है रादर देन साइमल्टेनियसली डायरेक्शंस आर प्रोवाइडेड इन हब। अगर हम देखें तो प्रीवियस नेटवर्क में हमने बात की थी कि वहां पे हमारे पास मल्टीपल रूट्स होते हैं जहां पे मैसेज ने ट्रांसमिट करना होता है, बट दिस नेटवर्क कंटेन्स ओनली अ सिंगल डायरेक्शन वेयर द मैसेज फ्लो। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता अवेलेबल होता है जहां पे मैसेज ने फ्लो करना होता है। द मैसेज इज पास्ड अराउंड द रिंग अंटिल इट रीचेस टू द करेक्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अगर हमारा मैसेज वो पास करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो आखिरी डिवाइस तक पहुंच नहीं जाता। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद मैसेज रिसीव होने का मैसेज वो नेटवर्क के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा, लाइंस आइडल हो जाएंगी और वहां पे मैसेज को रीट्रांसमिट करना वो आसान हो जाएगा। सो याद रखिएगा एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस वो मैसेज को ट्रांसमिट कर सकती है, मल्टीपल डिवाइसेस कैन नॉट ट्रांसमिट द मैसेज। सो यहां पे भी आपको उसकी डायग्राम नजर आ रही है, वहां पे आप देख सकते हैं ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। और मैंने शुरू में बताया था कि इस नेटवर्क में एक वक्त में सिर्फ एक मैसेज वो ट्रांसमिट कर सकता है। मैसेज आमतौर पर क्लॉकवाइज यहां पे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक लेस एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है रादर देन द स्टार टोपोलॉजी। और यहां पे हमेशा याद रखिएगा जो इस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पे कोई सेंट्रल मीडियम या सेंट्रल वायर नहीं है। सो हर कंप्यूटर उसको इक्वल एक्सेस है, हर कंप्यूटर इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना मैसेज कन्वे करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको ट्रबल शूट करना ये एक मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं है कि इसको इसके सॉफ्टवेयर और इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम बेहतर तौर पर चला सकें। अगर इस नेटवर्क में एक कंप्यूटर वो अफेक्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो सारे का सारा नेटवर्क उसमें प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। सो इसमें किसी भी कंप्यूटर को रिमूव करना या किसी भी कंप्यूटर को ऐड करना ये एक मुश्किल काम है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टोपोलॉजी की जो है ट्री टोपोलॉजी। हम उसको देखेंगे कि वो क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। बेसिकली दिस टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। इसमें दो मुख्तलिफ टोपोलॉजीज को इकट्ठा किया जाता है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। शुरू में हमने इन दोनों टोपोलॉजीज के ऊपर बात की थी। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। हमने स्टार टोपोलॉजी के जरिए से बस टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए आपस में कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। आप सिंपली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एक्सचेंज उनके स्टेशन बने हुए हैं, फिर उसके बाद आगे मुख्तलिफ जो सब एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर मैसेजेस आते हैं, फिर उससे टेलीफोन लाइंस के जरिए से मैसेज हमारे घर तक पहुंचते हैं। तो ये एक बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम ट्री टोपोलॉजी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन। मेन एक सेंट्रल वायर होती है जहां से पूरे के पूरे नेटवर्क को हमने कंट्रोल करना होता है। इट इज यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। एक नेटवर्क के जरिए से अगर हमने उसमें मजीद एक्सपेंशन करनी हो या उसकी एक्सटेंशन बढ़ानी हो तो हम बेसिकली इस नेटवर्क को यूज करते हैं। हमारे पास आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें हमारे पास एक मेन सेंट्रल वायर होती है जिसको हम बैकबोन या बस के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके साथ मल्टीपल हमारे पास रूटर या इस तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं। सो इस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये दूसरे नेटवर्क्स की निस्बत ज्यादा एक्सपेंसिव नेटवर्क है। हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर देखें तो इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर द इंडिविजुअल सेगमेंट्स। जिस साइड पे आपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है उस साइड पे आपको अलहदा से एक पूरा सेटअप लगाने की जरूरत पेश आती है। इट इज सपोर्टेड बाय द सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। मुख्तलिफ कंपनियां इसमें अपने नेटवर्क को जोड़ने के लिए
कम्युनिकेट कर सकती हैं, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। जो हम केबल यूज करते हैं उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें इंडिविजुअल साइड के ऊपर देखने को मिलती हैं। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स, अगर दरमियान में सेंट्रल जो मीडियम बस है हमारे पास वो ब्रेक करती है, द इंटायर सेगमेंट गोज डाउन, तो सारे का सारा जो नेटवर्क है वो बेकार हो जाता है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू कन्फिगर एंड इम्प्लीमेंट देन द अदर टोपोलॉजीज। बाकी जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उनके निस्बत इसको कन्फिगर करना, इसको अरेंज करना, इसको ट्रबल शूट करना, इसको मेंटेन करना, ये मुश्किल काम है। अब हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। इन दिस टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। हमारे पास जो मुकम्मल नेटवर्क होता है उसमें हर इंडिविजुअल डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से इंडिविजुअली कनेक्ट होती है। A message can be sent on different possible paths from the source device to the destination. हमारे पास एक message जो होता है हम उसे जो हमारे पास possible paths available होते हैं उनके जरिए से एक जगह से दूसरी जगह transmit करते हैं अपने message को। हम multiple paths इसमें use करते हैं ताकि message को हम अपनी destination पे आसानी पहुंचा सकें। अगर हम मेश टोपोलॉजी को देखें तो इसमें जितने भी नेटवर्क्स हैं उनकी निस्बत इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। मेश नेटवर्क्स आर नॉट यूज्ड मच इन द लोकल एरिया नेटवर्क्स। ये चूंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सो इसको लोकल एरिया नेटवर्क्स में आमतौर पे इस्तेमाल हरगिज भी नहीं किया जाता। आपको इसकी डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप वहां पे इसको देखेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। आज के टॉपिक को जरूर रिवाइज करिएगा और अगर इसमें कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ रابطہ कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अपनी राय जरूर दिया करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।